सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में 5 से 9% बढ़ोतरी कर दी है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज दलहन और तिलहन खास तौर पर मूंग, सोयाबीन और सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे अधिक इजाफा किया गया। किसानों को कम पानी की जरूरत वाले ज्वार की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते ज्वार के MSP में भी खास बढ़ोतरी की गई है। धान का MSP 100 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7,725 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसी तरह सोयाबीन का MSP 8.86% और सूरजमुखी बीज का MSP 6.40% बढ़ाया गया है। सबसे कम वृद्धि बाजारों के MSP में की गई है। इन जींसों की कीमतों में औसतम 5.8% बढ़ोतरी की गई है। MSP में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति सूचकांक पर करीब 0.2% का असर पड़ेगा। पिछले कई महीनों से खाद्य तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इसमें और तेजी आई है। खुले बाजार में सोयाबीन अभी 6,400 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है और मूंगफली का दाम 5,700 रुपये से 6,600 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि सोयाबीन का MSP बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति क्विंटल और मूंगफली का MSP 5,850 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। धान का MSP पहली बार 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया है। धान की सामान्य किस्म का MSP फसल वर्ष 2022-23 के लिए पिछले वर्ष के 1,940 रुपये से बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान की ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1,960 रुपये से बढ़ाकर 2,060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। विश्लेषकों का कहना है कि इससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान धान की ज़्यादा बुआई करेंगे। वहीं बता दें कि आई ग्रेन इंडिया के विश्लेषक ने कहा, पिछले साल किसानों को धान की अच्छी किस्म मिली थी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस साल धान का रकबा बढ़ सकता है, लेकिन मालवा इलाके में कपास का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मध्यम किस्म के कपास का MSP 5,729 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,080 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।